आज कपूर हाउस किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, और होता भी क्यों नहीं, आज कपूर फैमिली की बड़ी बेटी की शादी जो थी, हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। घर के अंदर एक बहुत ही सुंदर मंडप सजा हुआ था, वहीं एक कमरे के अंदर दुल्हन के लिबास में सजी आराध्या आईने में खुद को देख रही थी। उसके चेहरे से उसकी खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि जिस इंसान से वो प्यार करती थी आज 3 साल बाद उससे शादी होने जा रही थी। आराध्या कपूर खानदान की बड़ी बेटी थी, जिसकी हाइट 5 फुट 2 इंच और काले लंबे बाल उसकी कमर तक आते थे। दूधिया रंग, सुर्ख गुलाबी होंठ और होंठों के नीचे एक छोटा सा काला दिल उसे और खूबसूरत बना रहा था। उसका चेहरा इतना मासूम था कि कोई एक बार देखे तो उसके चेहरे में ही खो जाए। कुछ देर बाद कुछ औरत आराध्या को जयमाला के लिए बुलाने आई। आराध्या एक बार खुद को आईने में देखकर उनके साथ मंडप के लिए निकल गई। आराध्या की नजर अपने होने वाले पति मोहित पर ही थी, लेकिन मोहित ने एक बार भी नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। ये बात आराध्या को थोड़ा अजीब तो लगी, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आराध्या हाथों में जयमाला लेकर जैसे ही मोहित को पहनाने वाली थी, तभी मोहित उसका हाथ झटक कर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुमने क्या सोचा था आराध्या कि मैं तुमसे शादी करूंगा? दुल्हे के इस बिहेवियर को देखकर वहां खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। मोहित की इस हरकत को देखकर आराध्या के पापा नीरज कपूर भी वहां पर आ गए। आराध्या मोहित को ही देख रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर वो खुद को संभाल कर मोहित का हाथ पकड़ते हुए बोली, ये सब तुम क्या कह रहे हो? लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, एक लड़की ने आकर उसे धक्का देकर मोहित से दूर कर दिया। फिर उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोहित को छूने की? ये लड़की और कोई नहीं, आराध्या की सगी बहन जानवी थी। जानवी के धक्का देने की वजह से आराध्या नीचे गिर गई। आराध्या के पापा नीरज ने जब ये देखा तो वह आराध्या के पास आए और उसे उठने में मदद करके जानवी की ओर देखकर बोले, ये सब क्या है जानवी? ये सुनकर जानवी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, अपनी बड़ी बेटी को इस हाल में देखकर आपको तकलीफ हो रही है? मोहित जानवी के पास आया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, लेकिन तुम खुश होना डार्लिंग। आराध्या ने अपनी बहन की ओर देखा, फिर मोहित की ओर देखकर बोली, तुम दोनों, इन सब का क्या मतलब है? और मोहित, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? जानवी आराध्या की बात सुनकर मुस्कुराई और फिर अदा से अपने बाल झटकते हुए बोली, आप सच में कितनी भोली हो आराध्या दी, आपको सच में लगा कि मोहित आपसे शादी करेगा? मोहित ने ये सब सिर्फ मेरे कहने पर किया है। इतना सुनते ही नीरज कपूर, जो अब तक वहां पर खड़े सब कुछ सुन रहे थे, वो जानवी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देते हैं। फिर उन्होंने जैसे ही अपना दूसरा हाथ जानवी को मारने के लिए उठाया कि तभी मोहित आगे आकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें धक्का देते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की? आराध्या अभी भी अचंभे में खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके कान में मोहित के कहे हुए शब्द बार बार घूम रहे थे, मेरी वाइफ? वो मन ही मन सोचते हुए खुद से बोली, क्या मोहित और जानवी शादीशुदा है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वह अपनी सोच से बाहर आई और उसने अपने पापा की तरफ देखा, जिनके सर से खून बह रहा था। ये देखकर वो दौड़कर अपने पापा के पास गई और बोली, पापा, आप ठीक तो हो ना? उसके पापा आराध्या का हाथ पकड़कर बोले, मुझे माफ कर दो आराध्या, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आराध्या अपने पापा को समझाते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नीरज जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पता था कि अगर वो आराध्या के लिए मोहित को नहीं चुनते तो ये सब नहीं होता।
कपूर फैमिली और शर्मा फैमिली मुंबई शहर की जानी मानी फैमिली थी। शर्मा फैमिली और नीरज कपूर अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मोहित की शादी आराध्या से करनी चाही तो नीरज जी मान गए और उन्होंने आराध्या से इस बारे में बात की। हालांकि आराध्या अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पापा के कहने पर वो मोहित से मिलने के लिए राजी हो गई। मोहित से मिलने के बाद आराध्या भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी। 3 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद आज उन दोनों की शादी थी। तभी जानवी उनके पास आते हुए बोली, अरे आप दोनों का ड्रामा कब खत्म होगा? फिर वो नाटक करते हुए दुखी चेहरा बनाकर बोली, कितना बुरा हुआ ना मेरी बड़ी बहन के साथ। आराध्या दी, आप और पापा रो रहे हो तो क्यों ना मैं भी आप दोनों के साथ शामिल हो जाऊं, कितना मजा आएगा ना। ये कहते हुए वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। आराध्या जो अब तक शांत थी, वो जानवी की बात सुनकर गुस्से में जानवी की ओर देखकर बोली, यहाँ पर आने की हिम्मत भी मत करना। फिर वो अपनी आंखें मोहित की ओर घुमाकर बोली, क्यों मोहित, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया। आराध्या की बात सुनकर जानवी नफरत से बोली, क्या आपको यकीन है दी कि आपने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया? जानवी की बात सुनकर आराध्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो जानवी बोली, आपने हमेशा मुझसे सब कुछ छीन लिया। हर किसी ने हमेशा आपके बारे में सोचा, लेकिन कभी भी किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। सबने आपके साथ मुझे कंपेयर किया। आपने वो सब कुछ लिया जिसकी मैं हकदार थी। हमारी माँ जब आखिरी सांसें ले रही थी तब भी आप उनके साथ थी, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं देख पाई क्योंकि पापा ने मुझे सिर्फ आपकी वजह से मेरी मौसी के यहाँ भेज दिया था। माँ की मौत के बाद आपने पापा को भी मुझसे छीन लिया। मैं आपसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। आराध्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन उसके बारे में ये सब सोचती है। क्या उसने सच में उससे उसका हक छीन लिया था? आराध्या अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी जानवी फिर से बोली, पापा ने भी हमेशा आपसे ज्यादा प्यार किया क्योंकि आप माँ की तरह दिखती थी। उन्होंने हमेशा आपको अधिक महत्व दिया, यहाँ तक कि मैं भी आपकी तरह अपनी पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी जाने नहीं दिया। ये सुनकर नीरज जी बोले, ये सब सच नहीं है जानवी, मैंने कभी भी तुम दोनों में फर्क नहीं किया। मैंने तुम्हें लंदन इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि तुम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती थी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। इसके लिए तुम अपनी बड़ी बहन को दोष मत दो। ये सुनकर जानवी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ये सब उसकी वजह से ही है। इसीलिए बस इसीलिए मैंने एक ही बार में सब कुछ वापस लेने का फैसला किया। मैं चाहती थी कि ये भी उस दर्द को महसूस करे जो मैंने इतने सालों से महसूस किया था। मैं चाहती थी इनकी जिंदगी को भी नरक बना दूं, इसीलिए मैंने अपने पति की मदद से सब कुछ प्लान किया। जानवी अपनी नफरत भरी निगाहों से आराध्या को देखते हुए आगे बोली, आप सोच रहे होंगे कि मोहित मेरे पति कैसे हो सकते हैं, हम दोनों की शादी कैसे हो सकती है, ये कैसे पॉसिबल है? जानवी की बात सुनकर आराध्या हैरानी से बोली, तुम दोनों ने शादी कब की और इतनी बड़ी बात हम सबसे छिपाई क्यों? जानवी मोहित को देखकर बोली, हम 3 साल से शादीशुदा हैं। आराध्या भी 3 साल पहले मोहित से मिली थी। इसका मतलब जब वो मोहित से मिली थी उस समय जानवी और मोहित शादीशुदा थे। आराध्या को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया। वो अपने टूटे फूटे शब्दों में बोली, जानवी जानवी क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम ये कैसे कर सकती हो? उसकी बात सुनकर जानवी मुस्कुराते हुए बोली, दी कैसा लगता है जब कोई ऐसी चीज जिसे आप प्यार करती हो आपसे छीन ली जाती है? बताइए आपको कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा। मैंने भी अपनी जिंदगी में हर पल ये सब महसूस किया है। मैं चाहती थी कि आप अपनी खुद की दी हुई सजा का स्वाद खुद चखें।
इसीलिए मैंने मोहित के साथ मिलकर ये सब किया। दरअसल जानवी और मोहित एक पार्टी में मिले थे, तब मोहित पहली नजर में ही जानवी से प्यार कर बैठा था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। एक दिन जानवी ने मोहित से उससे शादी करने के लिए कहा, तो उसकी खूबसूरती और प्यार में अंधा होकर मोहित ने उसकी बात मानकर उससे शादी कर ली। उनकी शादी के बाद जानवी ने मोहित को अपने प्लान के बारे में बताया और मोहित भी उसकी बात मान गया। मोहित को तो ये सब सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि जानवी के पापा और बहन ने उसके साथ कितना गलत किया। आराध्या गुमसुम सी बस अपनी बहन की कही हुई बातें सोच रही थी कि तभी अचानक से नीरज जी गुस्से में जानवी की तरफ देखते हुए बोले, तुम इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो जानवी? तुम अपनी बहन के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? मुझे तो ये सोचकर भी बुरा लग रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। आज से तुम्हारे साथ कपूर फैमिली का कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें अपनी सभी प्रॉपर्टी से... इससे पहले कि नीरज जी अपनी बात पूरी कर पाते, मोहित उनकी बात काटते हुए बोला, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो कपूर इंडस्ट्री और शर्मा इंडस्ट्री के बीच की कोलैबोरेशन आज ही खत्म हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो आपको पेनल्टी फीस देनी होगी जो आपके कंपनी को बैंकरप्ट करने के लिए काफी है। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए। मोहित ने जो कुछ कहा था उसे सुनने के बाद नीरज जी हैरान हो गए। वो कुछ कहने ही वाले थे कि उन्हें अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उन्होंने देखा तो वो आराध्या थी। आराध्या नीरज जी को समझाते हुए बोली, प्लीज पापा, आप मेरे लिए हमारे बिजनेस को बीच में मत लाइए। ये सब मेरी गलती थी, मैं ही बेवकूफ थी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपको मेरी कसम, आप मुझे नहीं रोकेंगे। आराध्या की बात सुनकर नीरज जी चुप हो गए। वो बस अपनी खाली आंखों से आराध्या को देख रहे थे। वहीं आराध्या एक नजर मेंशन को देखकर वहां से बाहर निकलने लगी तो पीछे से जानवी बोली, चली जाइए आप यहाँ से, मैं आपका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। आराध्या जानवी की बात सुनकर कुछ नहीं बोली और सीधा कपूर मेंशन के बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के मलाबार हिल पर एक बड़ी सी बिल्डिंग के 15th फ्लोर पर बने सीईओ के कैबिन में उदास चेहरा लिए एक शख्स बैठा था। ब्लैक कलर के सूट पहने वो शख्स बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी किसी भी लड़की का दिल चुराने के लिए काफी थी। ये शख्स रुद्राक्ष सिंघानिया था, सिंघानिया एम्पायर का सीईओ और इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, पूरे एशिया का टॉप मोस्ट एलिजिबल बैचलर। रुद्राक्ष अपनी सोच में खोया हुआ था कि तभी उसके कैबिन में किसी ने नॉक किया। ये देखकर रुद्राक्ष ने एक फाइल उठाई और दरवाजे की तरफ फेंक कर बोला, मैंने तुम लोगों से कहा था कि मुझे परेशान मत करो, क्या तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? जस्ट गेट लॉस्ट। रुद्राक्ष का असिस्टेंट रजत ने जैसे ही ये सुना वो डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, सर ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। रुद्राक्ष ने जैसे ही उसकी बात सुनी वहां पर रखे एक फ्लावर पॉट को उसकी ओर फेंक दिया। वो फ्लावर पॉट रजत को लगता उससे पहले ही रजत वहां से हट गया, जिसकी वजह से उसे चोट नहीं लगी। रुद्राक्ष उसे देखते हुए गुस्से में बोला, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? रजत को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर हंसे या रोए, लेकिन उसे इतना पता था कि अगर ये बात उसने अपने बॉस को नहीं बताई तो उसकी नौकरी के साथ साथ उसकी जान भी जा सकती है। वो अपनी सारी हिम्मत जुटा कर बोला, सर। उसने इतना ही बोला था कि तभी उसने रुद्राक्ष को अपना लैपटॉप उठाते हुए देखा। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया और अपनी आंखें बंद करके जल्दी से बोला, सर ये आराध्या कपूर के बारे में है। आराध्या का नाम सुनते ही रुद्राक्ष का दिल धड़क उठा। वो अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ उसे? आखिर कहाँ गई आराध्या? और क्यों रुद्राक्ष के लिए आराध्या इतनी इम्पोर्टेंट थी? क्या उन दोनों का कोई रिश्ता था? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
आराध्या का नाम सुनते ही रुद्राक्ष का दिल धड़क उठा। वो अपने धड़कते दिल के साथ बोला, क्या हुआ उसे? रजत ने रुद्राक्ष की शांत आवाज सुनकर एक राहत की सांस ली और आगे बोला, आराध्या कपूर की शादी कैंसिल हो गई है। मोहित और उनकी बहन जानवी पहले से ही शादीशुदा थे। फिर उसने आज जो भी हुआ सारी बातें रुद्राक्ष को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद पहले तो रुद्राक्ष को मोहित पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर शादी नहीं हुई ये सोचकर उसका गुस्सा कम हो गया। फिर ऑर्डर देते हुए बोला, जल्दी से जल्दी पता लगाओ आराध्या कहाँ है और मेरी कार रेडी करो। इतना बोलकर वो कैबिन से बाहर चला गया। रुद्राक्ष की बात सुनकर रजत सर हिलाते हुए बोला, ओके सर, और वो भी रुद्राक्ष के पीछे पीछे चल दिया। रजत नहीं जानता था कि रुद्राक्ष आराध्या के बारे में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। रुद्राक्ष ने बस उसे आराध्या पर नजर रखने के लिए कहा था। पिछले हफ्ते जब रजत ने रुद्राक्ष को आराध्या की शादी के बारे में बताया था, तब से वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसके बाद से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड और अपसेट भी लग रहा था। आज आराध्या की शादी थी, इसीलिए उसने अपने आप को कैबिन के अंदर बंद कर लिया था और ये भी बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। रजत अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे रुद्राक्ष की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। रजत! रजत होश में आते हुए हड़बड़ाकर बोला, आ रहा हूँ सर। इतना बोलकर वो जल्दी से रुद्राक्ष के पास पहुँच गया। वहीं दूसरी तरफ आराध्या को नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। वो बस से चले जा रही थी। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और उसने वो सब कुछ किया जो उसके लिए कर सकती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसे कभी समझा ही नहीं। ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने एक टैक्सी ली और उसमें बैठकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद टैक्सी आकर एक पहाड़ी पर रुकी। आराध्या ने टैक्सी वाले को किराया दिया और टैक्सी से नीचे उतर गई। दूसरी तरफ रजत और रुद्राक्ष इस वक्त कार में बैठे थे। रुद्राक्ष डेस्परेट होकर बोला, अभी कहाँ है वो? रजत अपने आदमी द्वारा भेजी लोकेशन को देखकर बोला, सर मैंने अभी पता किया है, वो अभी पहाड़ी की तरफ गई है। क्या हमें भी वहाँ पर जाना है? रजत का सवाल सुनकर रुद्राक्ष उसे एक कोल्ड लुक के साथ देखने लगा। रुद्राक्ष का कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर रजत अपने मन में बोला, बेवकूफ ये क्या सवाल कर लिया। फिर उसने ड्राइवर को लोकेशन बताई। पूरे रास्ते कार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। जब ड्राइवर और रजत ने रुद्राक्ष के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन देखे तो वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। रजत चुपचाप भगवान को याद करते हुए मन में बोला, क्यों भगवान क्यों? मेरे बॉस एक नॉर्मल इंसान की तरह क्यों नहीं हो सकते? इधर रुद्राक्ष ने जब सुना कि आराध्या पहाड़ी की तरफ जा रही है तो उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी जो शायद ही उसने पहले कभी महसूस की थी। वो अपने मन में ही बोला, पहाड़ी पर? वो पहाड़ी पर क्यों जाएगी? क्या वो सच में? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये सोचकर वो अपने ड्राइवर से बोला, ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ। पूरे रास्ते हर एक मिनट बाद रुद्राक्ष ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने के लिए बोल रहा था। रजत पिछले 3 सालों से रुद्राक्ष के साथ काम कर रहा था, लेकिन आज पहली बार उसने रुद्राक्ष को इतना बेचैन देखा था। आज रजत को एक बात का यकीन हो गया था कि उसके गुस्सेल और खतरनाक बॉस की भी एक कमजोरी है, और वो कमजोरी है आराध्या कपूर। दूसरी तरफ आराध्या टैक्सी से नीचे उतरकर एक चट्टान के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई, जिसके ठीक नीचे गहरी खाई थी। आराध्या ने अपनी आंखें बंद की और पिछली बातें सोचने लगी। वो जब 12 साल की थी तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। जानवी उस वक्त 9 साल की थी और आराध्या का भाई कुणाल सिर्फ 6 साल का था। उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। उस वक्त वो अपनी माँ के पास ही बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आराध्या की माँ कांपते हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए बोली, आरू तुम्हारी माँ तुमसे, जानवी से और कुणाल से बहुत प्यार करती है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी बहन भाई और अपने पापा का ख्याल रखोगी।
आराध्या अपनी माँ की बात सुनकर घबराते हुए बोली, मम्मा ये सब आप क्या कह रही हैं? आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। आराध्या की माँ उसके हाथों को सहलाते हुए बोली, रो मत आरू बेटा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपने साथ साथ अपने पापा और बहन भाई का भी ख्याल रखोगी। इतना बोलकर वो अचानक जोर जोर से सांसें लेने लगी। उनकी ऐसी हालत देखकर आराध्या घबरा गई और उनके हाथों को पकड़ते हुए बोली, प्रॉमिस मम्मा, मैं उन सबका ख्याल रखूंगी। आराध्या की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुराई और नीरज जी जो कि उनके पास ही खड़े थे उनकी तरफ देखकर बोली, उन तीनों का ख्याल रखना और अपना भी। इतना बोलकर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आंखें बंद होने के बाद आराध्या ने उनको हिलाया लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां पर आ गए और उन्होंने बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस टाइम पर जानवी और कुणाल अपनी मौसी के घर थे, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ नहीं थे। जैसे जैसे समय बीतता गया आराध्या ने अपना प्रॉमिस पूरा करने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी बहन और भाई की देखभाल की। आराध्या हमेशा से एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी छोटी बहन भी एक मॉडल बनना चाहती है तो वो अपना सपना भूलकर आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। ये सब सोचकर उसकी आंखों में फिर एक बार आंसू आ गए। इधर रुद्राक्ष जैसे ही पहाड़ी पर पहुंचा वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने दुल्हन के लिबास में चट्टान पर खड़ी लड़की पर गई। वो समझ गया कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। ये नजारा देखकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा। वो पास जाकर उसे कसकर गले लगाना चाहता था और कहना चाहता था कि वो अकेली नहीं है, वो भी उसके साथ है। फिर वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच कर बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे सुसाइड करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आराध्या हैरान थी। उसने नजरें उठाकर रुद्राक्ष की ओर देखा। वहीं आराध्या को अपने इतने करीब देखकर रुद्राक्ष के दिल की धड़कन रुक सी गई। रुद्राक्ष उसके चेहरे को देखते हुए बोला, इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा अपनी जिंदगी को सुधार लो। आराध्या उसकी बात सुन कंफ्यूज होकर बोली, आपका क्या मतलब है? उसकी नीची आवाज सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। वो कुछ देर उसके चेहरे को निहारने के बाद बोला, मुझसे शादी कर लो। रुद्राक्ष की बात सुनकर आराध्या हैरान और कंफ्यूज्ड हो गई। वो अपने मन में ही बोली, ये मुझसे शादी करने के लिए क्यों कह रहा है? क्या ये मुझे जानता है? और ये यहाँ कैसे आया? क्या ये मेरा पीछा कर रहा था? आराध्या को अपने ही ख्यालों में खोए हुए देखकर रुद्राक्ष ने उसे चट्टान के किनारे से दूर खींच लिया, जिससे आराध्या का सर उसकी छाती से टकरा गया। तो रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुद्राक्ष की अचानक की गई इस हरकत से आराध्या हैरान थी। उसने रुद्राक्ष को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। काफी देर तक उसे गले लगाने के बाद आखिरकार रुद्राक्ष अपनी पकड़ ढीली करते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो? आराध्या ने रुद्राक्ष की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो अपने लिए परवाह साफ साफ देख पा रही थी, लेकिन वो तो उसे जानती भी नहीं थी, इसीलिए वो उससे पूछते हुए बोली, लेकिन आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानती हूँ? रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अभी तो मैं तुम्हारा सेवियर हूँ और बाकी तुम मुझे जो चाहे बुला सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जवाब सुनकर आराध्या आंखें फाड़े उससे देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो शख्स ऐसा क्यों कह रहा है। आराध्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष अपनी बात बदलते हुए बोला, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मोहित और तुम्हारी बहन से बदला लेने में मदद कर सकता हूँ। आराध्या उसकी ओर देखकर असमंजस में बोली, और आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? रुद्राक्ष उसे सच बताना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसे पता था कि ये सही टाइम नहीं है ये सब बताने के लिए, इसीलिए वो सोचते हुए बोला,
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये बात तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, तो फिर क्या ये वजह काफी नहीं है? आराध्या रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन मोहित से आपकी क्या दुश्मनी है? रुद्राक्ष मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। शर्मा इंडस्ट्रीज सिंघानिया इंडस्ट्रीज के दम पर ही आज यहाँ पर है। सिर्फ मेरे दादाजी के लिए मैं उन्हें सहन कर रहा हूँ, वरना मैं कब का उन्हें इन सब से बाहर कर देता। ये सच था कि रुद्राक्ष मोहित से नफरत करता था, क्योंकि उसने उससे आराध्या को दूर कर दिया था। लेकिन अब वो उससे और भी ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि आज सिर्फ उसकी वजह से आराध्या सुसाइड करने वाली थी। ये सोचकर ही उसका गुस्सा बढ़ रहा था। आराध्या उत्साहित होकर बोली, सिंघानिया इंडस्ट्रीज, लेकिन आपको इन सब से क्या लेना देना है? क्या आप इन सब से रिलेटेड हैं? उसका सवाल सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराकर बोला, क्या तुम बिजनेस रिलेटेड न्यूज नहीं पढ़ती? ये सुनकर आराध्या ने अपने सामने खड़े आदमी को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना है। रुद्राक्ष की ब्राउन आईज, परफेक्ट जॉ लाइन और लंबे फिगर के साथ वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो अपने मन में सोचने लगी, ये एकदम उसकी तरह क्यों लग रहे हैं? इतना सोचते ही वो हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, क्या आप रुद्राक्ष सिंघानिया हो? रुद्राक्ष ने जब उसके मुंह से अपना नाम सुना तो उसके होठों की मुस्कान और बढ़ गई और वो सर हिलाकर बोला, यस। आराध्या को यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो फिर से बोली, क्या पूरे एशिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर रुद्राक्ष सिंघानिया हो? रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए बोला, आराध्या को अभी भी यकीन नहीं हुआ था, इसीलिए वो दोबारा से बोली, क्या आप मल्टीनेशनल कंपनी सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ रुद्राक्ष सिंघानिया हो? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब जानने के बाद आराध्या ने अपने मुंह पर हाथ रखा और वहां से दो कदम पीछे हट गई। आराध्या का रिएक्शन देखकर रुद्राक्ष बोला, नाउ विल यू मैरी मी? ये सुनकर आराध्या रुद्राक्ष की तरफ देखकर अपने मन में सोचने लगी, ही इज हैंडसम, इसे शादी करने में कोई बुराई नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो रुद्राक्ष सिंघानिया है जिसे हर लड़की पाना चाहती है। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी ही सोच पर गुस्सा आ रहा था, उसका रिश्तों पर से विश्वास उठ गया था, इसीलिए वो रुद्राक्ष से बोली, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आराध्या के मना करने के बाद भी रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए, जैसे वो आराध्या का जवाब पहले से ही जानता था। उसने आराध्या की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है कितनी लड़कियां मुझसे शादी करने का सपना देखती हैं? क्या तुम्हें पता है कि तुम किसे रिजेक्ट कर रही हो? फिर वो आराध्या के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, और सबसे बड़ी बात, क्या तुम उनसे अपना बदला नहीं लेना चाहती? अब ये मत कहना कि इतना सब होने के बाद भी तुम उनको ऐसे ही छोड़ दोगी। क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो? रुद्राक्ष की बात सुनकर आराध्या ने उसे दूर धकेलते हुए बोला, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझे? और मैं खुद अपना बदला ले सकती हूँ, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, ठीक है, तुम बिल्कुल सही हो। एक लड़की जो कुछ मिनट पहले सुसाइड करने वाली थी, वो अपना बदला खुद ही ले सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसकी बातों का मतलब समझकर आराध्या को फिर से गुस्सा आ गया और वो बोली, हाँ मैं कर सकती हूँ। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुराकर बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम कैसे करोगी? अब ये मत कहना कि तुम अपने इस मटर के दाने जितने दिमाग और अपने छोटे छोटे हाथों से उनसे मारपीट करने की सोच रही हो। आराध्या भी एटीट्यूड में बोली, मुझे पता है कि क्या करना है, और ये सब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। आखिर क्यों करना चाहता है रुद्राक्ष आराध्या से शादी, और क्या आराध्या रुद्राक्ष के साथ शादी के लिए मान जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
रुद्राक्ष आराध्या का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए बोला, मेरी बात सुनो आराध्या, तुम ये सब अकेले नहीं कर सकती। तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत है जो शर्मा फैमिली से ज्यादा पावरफुल हो, और ये सिर्फ सिंघानिया इंडस्ट्रीज ही कर सकती हैं। और अगर तुमने मुझसे शादी की तो मैं कपूर इंडस्ट्रीज के साथ भी कोलैबोरेशन करूंगा। तुम बहुत लक्की हो कि मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो अब तक मुझसे शादी कर चुकी होती। आराध्या कुछ सोचकर बोली, क्या मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम मिल सकता है? रुद्राक्ष अपनी कलाई में बंधी घड़ी को देखते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सोचने के लिए 5 मिनट देता हूँ। आराध्या चौंकते हुए बोली, अरे ये क्या बात हुई, 5 मिनट में कोई अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है? रुद्राक्ष फिर से अपनी घड़ी की ओर देखते हुए बोला, अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट 49 सेकंड बचे हैं। आराध्या उसकी बात सुनकर चिढ़ गई और रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बोल वो अपने दोनों हाथ गाल पर रखकर नीचे जमीन पर बैठ गई। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए रुद्राक्ष बोला, 4 मिनट 5 सेकंड बाकी हैं। जमीन पर बैठी आराध्या अपने सर को पकड़ते हुए बोली, काउंटिंग बंद करिए, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, कुछ मिनट पहले जब तुम चट्टान से कूदने वाली थी तब तो परेशान नहीं थी। आराध्या अपने कानों पर हाथ रखकर बोली, प्लीज इस बारे में बात करना बंद कीजिए और मुझे ठीक से सोचने दीजिए। इस समय रुद्राक्ष को आराध्या बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। ये देखकर रुद्राक्ष चुप हो गया और आराध्या को देखने लगा। कुछ देर बाद रुद्राक्ष फिर से अपनी घड़ी की ओर देखकर बोला, 5 मिनट खत्म हो गए, तो तुमने क्या डिसीजन लिया? आराध्या जो अभी भी उसी तरह बैठी थी वो रुद्राक्ष की ओर देखते हुए बोली, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती? आराध्या की बात सुनकर रुद्राक्ष हंसने लगा। रुद्राक्ष को हंसता देख आराध्या चिढ़ते हुए बोली, आप किस पर हंस रहे हो? इस बार रुद्राक्ष के चेहरे के भाव बदल गए और वो आराध्या की आंखों में देखते हुए बोला, आराध्या क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? मैं तुम्हें एक बार और बता दूं, मैं रुद्राक्ष सिंघानिया हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, तुम मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। हाँ ये सच था कि रुद्राक्ष आराध्या को अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था। आराध्या हैरानी से बोली, तो आपने मुझे सोचने के लिए समय क्यों दिया? रुद्राक्ष बेशर्मी से बोला, फॉर्मेलिटी के लिए। रुद्राक्ष की बात सुनकर आराध्या उसे घूरते हुए बोली, बेशरम इंसान। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ओनली फॉर यू। कुछ मिनट सोचने के बाद आराध्या बोली, ठीक है मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। ये सुनकर रुद्राक्ष का चेहरा खिल उठा। जब उसने सुना कि आराध्या उससे शादी करने के लिए तैयार है तब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, इसीलिए वो बोला, ठीक है मिसेस सिंघानिया, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आराध्या अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, पहले आप मेरी कंडीशन तो सुनो। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसे बोलने का इशारा किया तो आराध्या गहरी सांस लेकर बोली, मेरी पहली शर्त ये है कि हम दोनों सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शादी करेंगे और हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं होगा। दूसरी, शादी के बाद हम दोनों एक कमरे में नहीं रहेंगे। तीसरी, अगर 1 साल बाद मैं चाहूं तो आपको डिवोर्स दे सकूंगी। चौथी, हम दोनों जितने दिन तक एक साथ रहेंगे आप कभी भी आज के दिन का जिक्र नहीं करेंगे। और आखिरी शर्त, आप कभी भी मेरे हाथों को छोटे हाथ नहीं बोलेंगे। अगर आपको ये सारी शर्तें मंजूर हैं तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। रुद्राक्ष उसकी शर्तें सुनकर अपनी भौहें छड़ाकर बोला, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन दूसरी शर्त को छोड़कर मैं ये शादी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं शादी करूँ। लेकिन अगर उनको ये पता चल गया कि मैं और मेरी पत्नी एक कमरे में नहीं रहते तो उनको सब कुछ पता चल जाएगा, इसीलिए हम दोनों को एक रूम ही शेयर करना पड़ेगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर आराध्या उसे घूरते हुए बोली, नहीं हम दोनों एक रूम शेयर नहीं करेंगे। रुद्राक्ष शरारत भरे अंदाज में बोला, क्यों
क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम अगर मेरे साथ एक कमरे में रही तो तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी? ये सुनकर आराध्या के गाल लाल हो गए और वो बोली, बेशरम इंसान, मैं खुद पर कंट्रोल कर सकती हूँ, बस मुझे आप पर भरोसा नहीं है। रुद्राक्ष अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, ओके, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो फिर ठीक है। इससे पहले आराध्या कुछ कहती, रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कार की ओर जाने लगा। रुद्राक्ष के हाथ पकड़ने से वो हड़बड़ा गई और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? रुद्राक्ष अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए हुए बोला, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस। आराध्या उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। अभी एक मिनट पहले ही वो उससे शादी करने के लिए राजी हुई थी और अब वो उसे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस ले जा रहा था। वो मन ही मन बोली, इसे इतनी भी क्या जल्दी है? तभी रुद्राक्ष आगे बढ़ते हुए बोला, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता है और पहले से ही 4 बज गए हैं, हमें जल्दी करना होगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर आराध्या ने अपना सिर नीचे किया और रुद्राक्ष को वो करने देने का फैसला किया जो वो चाहता था। वो पहले ही उससे शादी करने के लिए राजी हो गई थी, इसीलिए अब पीछे नहीं हट सकती थी। कुछ देर चलने के बाद रुद्राक्ष को अपनी कार दिखी। आराध्या ने देखा कि एक आदमी कार के आगे पीछे चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक स्टूडेंट हो जो बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो। कार के पास पहुंचने के बाद रुद्राक्ष बोला, रजत। अपने बॉस की आवाज सुनकर रजत जल्दी से पीछे मुड़ा और उनके पास आते हुए बोला, हाँ सर, बोलिए। तभी उसकी नजर रुद्राक्ष के पास खड़ी आराध्या पर गई। उसने आज पहली बार आराध्या को सामने से देखा था। आराध्या की खूबसूरती देखकर रजत समझ गया कि क्यों रुद्राक्ष उसके पीछे पागल है। रजत को आराध्या को ऐसे देखते पाकर रुद्राक्ष गुस्से में बोला, तुम कार में बैठने के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? रुद्राक्ष की आवाज सुनकर रजत अपने ख्यालों से बाहर आया और जल्दी से जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही आराध्या और रुद्राक्ष दोनों बैक सीट पर बैठ गए। रजत थोड़ा झिझकते हुए बोला, कहाँ जाना है सर? रुद्राक्ष हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस। रजत ने जब ये सुना तो उसे खांसी आ गई। जैसे तैसे उसने अपनी खांसी रोकी और हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखने लगा। अपने असिस्टेंट की हरकत देखकर रुद्राक्ष अपनी आंखें सिकुड़ कर बोला, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रजत रुद्राक्ष का सवाल सुनकर हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके लिए। इसके बाद कार में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया। लेकिन आराध्या खामोशी तोड़ते हुए रुद्राक्ष से बोली, वैसे आप उस पहाड़ी पर क्या कर रहे थे? रुद्राक्ष रजत की तरफ इशारा करते हुए बोला, उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, इसीलिए हम वहां पर गए थे। रुद्राक्ष की बात सुनकर रजत ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वो मन ही मन बोला, सर, आप इतने बेशरम कैसे हो सकते हो? मैंने हमेशा आपकी मदद की है और आपने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी पत्नी को मार दिया। ओह, क्यों भगवान, मेरा बॉस इतना बेशरम क्यों है? रुद्राक्ष की बात सुनकर आराध्या ने ध्यान से रजत के चेहरे को देखा और फिर बोली, उसकी पत्नी की मौत हो गई है, लेकिन उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आराध्या की बात सुनकर रुद्राक्ष रजत को देखने लगा तो रजत ने जल्दी से अपना रुमाल निकाला और अपने आंसू पोंछने का नाटक करते हुए बोला, ऐसा नहीं है मैडम, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी पत्नी, उसने मुझे इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़ दिया, अब मेरा क्या होगा? मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? रजत की नौटंकी देखकर रुद्राक्ष आराध्या की ओर देखते हुए बोला, देखो वो कितना सैड है। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखने लगी। वो सोच रही थी कि अचानक उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। वो मोहित से शादी करने जा रही थी जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन अब वो रुद्राक्ष से शादी कर रही थी जो उसके लिए एक अजनबी था। जब कार रुकी तब आराध्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी। रुद्राक्ष उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाकर बोला,
चलो चले। आराध्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसके साथ मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर चली गई। आधे घंटे के अंदर सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अब वो दोनों अजनबी से हस्बैंड वाइफ बन गए थे। आराध्या मैरिज सर्टिफिकेट देखते हुए मन में बोली, मैंने एक अजनबी से शादी कर ली। ये सोचते ही उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। पहले मोहित और उसकी बहन ने उसे धोखा दिया था और अब उसकी शादी किसी अजनबी से हो गई थी। आराध्या की जिंदगी अब एक मजाक बनकर रह गई थी। आराध्या से उलट रुद्राक्ष के चेहरे पर ना बयान करने वाली मुस्कुराहट थी। वो एक बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। उसने फैसला कर लिया था कि वो आराध्या को खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। उसे वो सब कुछ देगा जो वो चाहती है और उसकी सभी मांगों को पूरा करेगा। आराध्या को वहां खड़े देख रुद्राक्ष समझ गया कि वो क्या सोच रही है। रुद्राक्ष उसके पास आया और उसका सिर थपथपाकर बोला, ज्यादा मत सोचो, तुम अब मेरी पत्नी हो। मुझे पता है कि जिन सिचुएशन में हमने शादी की वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। मैं कभी भी किसी दूसरी लड़की के करीब नहीं जाऊंगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। रुद्राक्ष की बातों को सुनकर आराध्या अपने लोअर लिप्स को बाइट करते हुए बोली, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं किसी और आदमी के करीब नहीं जाऊंगी और एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। रुद्राक्ष फिर से उसका सिर थपथपाकर बोला, चलो चलते हैं। ये कहकर वो उसे अपनी कार की ओर ले जाने लगा। आराध्या उसके साथ चलते हुए बोली, आप अब कहाँ जाना चाहते हैं? रुद्राक्ष उसकी ओर पलटकर बोला, क्या तुम अपनी सुहागरात मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर बिताना चाहती हो? ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने जो कहा उससे सुनने के बाद आराध्या का चेहरा लाल हो गया और वो बोली, बेशरम इंसान, आप रूल तोड़ रहे हो। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं सिर्फ सुहागरात एक साथ बिताने के बारे में बात कर रहा था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं उसके बारे में बात कर रहा था? ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर आराध्या ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और अपना सिर हिलाकर बोली, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसकी प्यारी हरकतें देखकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और उसके साथ कार में बैठ गया। रजत जो वहीं पर खड़ा होकर इन दोनों की बातें सुन रहा था, वो मन ही मन बोला, सर आप सच में बहुत बेशरम हो। फिर वो सर झटकाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और पीछे मुड़कर रुद्राक्ष से बोला, कहाँ जाना है सर? रुद्राक्ष सोचते हुए बोला, घर। फिर वो आराध्या की ओर मुड़कर बोला, पहले हम घर जाकर फ्रेश हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पापा से मिलने चलेंगे। पापा शब्द सुनकर आराध्या को याद आया कि कैसे वो अपने पापा को वहां पर छोड़कर चली आई थी। ये याद आते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराते हुए बोली, मेरे पापा से क्यों? रुद्राक्ष उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारे वहां से चले जाने के बाद तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बहन से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद मोहित ने शर्मा इंडस्ट्री और कपूर इंडस्ट्रीज के बीच की कोलैबोरेशन खत्म कर दी और अब कपूर इंडस्ट्रीज को बैंकरप्ट कर दिया गया है। आराध्या जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी, वो धीमी आवाज में बोली, ये सब मेरी गलती है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये सच में तुम्हारी गलती है। मुझे लगता है तुम्हारे छोटे दिमाग और छोटे हाथों के साथ साथ तुम्हारा टेस्ट भी बहुत खराब है। इससे पहले कि आराध्या इसके जवाब में कुछ कह पाती, रुद्राक्ष अपनी बातों को जारी रखते हुए बोला, वैसे भी अब से मैं तुम्हारा पति हूँ तो तुम्हारी सारी गलती की भरपाई मुझे ही करनी पड़ेगी, और इसीलिए पहले हमें तुम्हारे पापा की मदद करनी पड़ेगी। आराध्या उसे देखते हुए बोली, और आप ये कैसे करने जा रहे हैं? रुद्राक्ष उसका हाथ सहलाते हुए बोला, तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग ये सब संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए मुझे और तुम्हारे पापा को ही सब कुछ संभालने दो। इतना बोलकर रुद्राक्ष ने उसके सिर को हल्का सा सहलाया।
वहीं बार बार अपनी इंसल्ट होते देख आराध्या ने मुंह बना लिया और चुपचाप बैठ गई। कैसी होगी रुद्राक्ष और आराध्या की मैरिज लाइफ? क्या आराध्या जानवी से अपनी इंसल्ट का बदला ले पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लगभग 15 मिनट बाद कार एक बड़ी सी हवेली के सामने रुकी। आराध्या कार से बाहर निकली और हवेली के चारों तरफ देखने लगी। तभी रुद्राक्ष उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, वेलकम होम वाइफी, आज से ये तुम्हारा भी घर है। फिर उसने आराध्या का हाथ पकड़ा और अपने साथ हवेली के अंदर ले जाने लगा। वो दोनों हवेली के अंदर आए तो आराध्या ने देखा, मेन गेट के पास एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। उस आदमी ने जैसे ही रुद्राक्ष को देखा अपने सर को झुकाकर बोला, वेलकम होम सर। फिर उसकी नजर आराध्या पर गई तो वो उसको देखने लगे। उनकी नजरों को समझते हुए रुद्राक्ष आराध्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये मेरी वाइफ है। फिर आराध्या की तरफ देखकर बोला, ये राघव है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इनसे कह सकती हो। आराध्या ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। राघव अभी भी वहां पर सदमे में खड़े थे। उन्होंने आज तक कभी भी रुद्राक्ष को किसी लड़की के करीब जाते हुए नहीं देखा था और आज अचानक वो अपने साथ अपनी वाइफ को लेकर आया था। ये उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वहां से सीधा ऊपर की ओर जाते हुए रुद्राक्ष आराध्या से बोला, तुम राघव के साथ घर देख लो और उसके बाद फ्रेश होकर रेडी रहना, हम तुम्हारे पापा से मिलने के लिए चलेंगे। मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद राघव ने आराध्या से कहा, मैडम आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको घर दिखा देता हूँ। आराध्या हाँ में सिर हिलाकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। पहले राघव उसे गार्डन एरिया में ले गया। आराध्या ने जब चारों तरफ देखा तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि जो जो फूल उसे पसंद थे उन सारे फूलों के पेड़ वहां पर मौजूद थे। उसको ऐसे फूलों की तरफ देखकर खुश होते देखकर राघव बोला, इस बगीचे की सबसे खास और खूबसूरत फूल है लाल गुलाब, और सर ने इन फूलों का खास तरह से ख्याल रखने के लिए कहा है। और सबसे खास बात, सर को लाल गुलाब बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन 3 साल पहले जब वो अब्रॉड से वापस आए तब उन्होंने गार्डन में लाल गुलाब लगाने का फैसला किया। उस वक्त हम सब हैरान थे। आराध्या को ये बहुत अजीब लगा और वो बहुत धीमी आवाज में बोली, लाल गुलाब मुझे पसंद है। राघव मुस्कुराकर बोला, मुझे अब समझ आया कि सर ने ये फूल क्यों लगवाए थे, वो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं मैडम। उसकी बात सुनकर आराध्या मुस्कुराने लगी। गार्डन के बाद राघव ने उसे पूरा घर दिखाया। ये सब देखने के बाद आराध्या बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि पूरा घर उसकी पसंद की चीजों से सजाया गया था। उसे अब रुद्राक्ष पर शक होने लगा था। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी राघव ने कहा, ये सर का बेडरूम, मतलब आप दोनों का बेडरूम है। आराध्या जैसे ही बेडरूम के अंदर गई तो उसका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि बेडरूम में वही सब कुछ था जो उसे पसंद था, चाहे वो फर्नीचर का डिजाइन हो, पेंटिंग हो या दीवारों का पेंट, यहाँ तक कि बेडसाइड लैंप पर जो फ्लोरल प्रिंट था वो भी उसकी पसंद का ही था। राघव सब दिखाने के बाद वहां से जाते हुए बोला, मैडम आप आराम कीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद आराध्या बेड के किनारे पर बैठकर अपना सर नीचे करके कुछ सोचते हुए बोली, पहले वो मुझे कहीं से बचाने आ गया और मुझसे शादी करने के लिए कहा, और अब उसके घर में सब कुछ मेरी पसंद का है, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, वो रुद्राक्ष सिंघानिया है, वो मेरी जैसी किसी लड़की के साथ क्यों शादी करना चाहेगा, कहीं वो साइको किलर तो नहीं, अगर वो सच में एक साइको किलर हुआ तो, हे भगवान, मैंने उससे पहले ही शादी कर ली है, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? हाँ मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो अभी यहाँ नहीं है, मुझे इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाना चाहिए। आराध्या अचानक बेड से उठी और दरवाजे की ओर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसका सिर किसी चीज से टकरा गया और उसके कानों में रुद्राक्ष की गहरी आवाज सुनाई पड़ी।
वो उससे पूछते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो? आराध्या जल्दी से उससे दूर हो गई और बोली, मैं बाथरूम में जा रही थी। रुद्राक्ष अपनी आंखों को सिकुड़कर बोला, मुझे लगता है कि तुम्हारे छोटे दिमाग और छोटे हाथ के साथ साथ तुम्हारी आंखों में भी प्रॉब्लम है। फिर वो कमरे के अंदर वॉशरूम के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बोला, क्योंकि तुम इतनी बड़ी चीज भी नहीं देख सकती। आराध्या उसकी तरफ देखकर अचानक हंसते हुए बोली, ओ वाह, देखिए मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैं इतने बड़े दरवाजे को भी नहीं देख पाई। वो इतना बोलकर वॉशरूम की तरफ चली गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। पर रुद्राक्ष ने कुछ सोचते हुए अपनी आंखें सिकुड़ ली। वो महसूस कर सकता था कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आराध्या अजीब बिहेव कर रही थी। ये सोचकर वो वॉशरूम की तरफ गया और दरवाजा खटखटाते हुए बोला, आराध्या क्या हुआ है, मुझे बताओ, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? वॉशरूम के अंदर आराध्या खुद में घबराहट महसूस कर रही थी। वो खुद को डांटते हुए मन में बोली, बेवकूफ लड़की, तुमने बेवकूफ की तरह बिहेव क्यों किया? वो सही कहता है, तुम सच में एक बेवकूफ हो। फिर एक गहरी सांस लेने के बाद उसने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। उसे देखकर रुद्राक्ष बोला, क्या बात है? उसके जवाब में आराध्या बोली, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। रुद्राक्ष ने आगे और कुछ नहीं पूछा और बात बदलते हुए बोला, तुमने घर देखा, क्या तुम्हें घर पसंद आया? आराध्या रुद्राक्ष के सामने चली गई, क्योंकि वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहती थी। फिर उसके सामने आकर बोली, हाँ बहुत ज्यादा, क्या आप जानते हैं कि हमारे बगीचे में मेरे सभी पसंदीदा फूल हैं और लाल गुलाब तो मेरा फेवरेट है। रुद्राक्ष अपना गला साफ करते हुए बोला, ओह ये तो बहुत अच्छा है। आराध्या रुद्राक्ष की आंखों में देखकर बोली, इस घर के हर हिस्से में कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत पसंद है, यहाँ तक कि गेस्ट रूम भी। ये सुनकर रुद्राक्ष हैरानी जताते हुए बोला, सच में? आराध्या बोली, हाँ, खासकर ये बेडरूम, यहाँ का फर्नीचर, दीवार का रंग और यहाँ तक कि बेड साइड लैंप, सब कुछ मेरी पसंद का है। रुद्राक्ष किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जो झूठ बोलते हुए पकड़ा गया हो। उसने आराध्या से नजरें चुराते हुए कहा, क्या कोइंसिडेंस है? आराध्या रुद्राक्ष की हरकतों को बहुत देर से नोटिस कर रही थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? रुद्राक्ष अपनी जगह पर जम गया और उसने आराध्या की तरफ देखकर अपना सिर हिलाया। आराध्या ने अपने निचले होठों को थोड़ा सा चबाते हुए पूछा, क्या आप एक साइको किलर हो? उसका सवाल सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और उसकी ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर आराध्या डर गई और पीछे हटने लगी। उसको अपनी ओर आए देख वो पीछे जाने लगी और पीछे जाते जाते वो सीधे दीवार से टकरा गई। रुद्राक्ष उसके सामने आया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने होठों को उसके कान के पास ले जाते हुए बोला, मैं कोई साइको किलर नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा पति हूँ मिसेस सिंघानिया। अपने कंधों पर रुद्राक्ष की गर्म सांसें महसूस करके आराध्या की आंखें अपने आप बंद हो गई। रुद्राक्ष ने ये देखा तो उसकी गर्दन पर अपने होठों से हल्के से छुआ और वहां से वॉशरूम की तरफ जाने लगा। आराध्या ने जब अपनी आंखें खोली तो रुद्राक्ष को अपने सामने न देखकर एक राहत की सांस ली और जाकर सोफे पर बैठ गई। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने अपनी गर्दन को छुआ और आज के दिन जो जो हुआ उससे सोचने लगी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अचानक वॉशरूम का दरवाजा खुला और अंदर से रुद्राक्ष बिना शर्ट के बाहर निकला। उसने बस एक टॉवल लपेटा हुआ था। आराध्या ने जैसे ही रुद्राक्ष की तरफ देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अपनी आंखें बंद करने की बजाय वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखने लगी। रुद्राक्ष इस वक्त बहुत हॉट लग रहा था। वो टावल से अपने बाल पोंछ रहा था तभी उसकी नजर आराध्या पर पड़ी और वो उसके पास आकर उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, मिसेस सिंघानिया अपना मुंह तो बंद कर लो और मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम मुझे आराम से देख सकती हो। उसकी बात सुनकर आराध्या अपने होश में आई और सकपका कर बोली, मैं आपको नहीं देख रही थी।
उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराकर बोला, जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ, पहले ही काफी देर हो चुकी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें आज तुम्हारे पापा के घर जाना चाहिए, हम कल जा सकते हैं। फिर दरवाजे से बाहर जाते हुए बोला, फ्रेश होकर नीचे आ जाना, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसके रूम से बाहर जाने के बाद आराध्या ने गहरी सांस ली और वॉशरूम की ओर चली गई। लिविंग रूम में रुद्राक्ष सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वो आज बहुत खुश था, उसने आखिरकार वो हासिल कर ही लिया जिसे कई सालों से हासिल करना चाहता था, जिस लड़की से उसे पहली नजर में प्यार हो गया था, आज वो उसकी पत्नी थी। हालांकि वो जानता था कि आराध्या उसे प्यार नहीं करती है, लेकिन उसे यकीन था कि एक ना एक दिन वो भी उससे प्यार जरूर करेगा। रुद्राक्ष अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसका फोन बजा। कॉलर आईडी देखकर वो पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने बेमन से फोन उठा लिया। उधर से रुद्राक्ष का भाई समर्थ सिंघानिया, जो इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था, वो खुश होते हुए बोला, हाय ब्रो, क्या चल रहा है? मैं आपके घर के पास था तो सोचा आपसे मिल लूं। समर्थ की बात सुनकर वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्या तुम अपने भाई की वेडिंग नाइट पर आकर उसे परेशान करना चाहते हो? ये सुनकर समर्थ ने अचानक अपनी कार रोक दी और बोला, आपने क्या कहा? वेडिंग नाइट? भाई, क्या फिर से सपना देख रहे हैं? या फिर आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिए? आप रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को लेकर वहाँ पर आता हूँ। उसकी बातें सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें घुमाई। वो जानता था कि उसका भाई ड्रामेबाज है, इसीलिए उसने कहा, शट अप समर्थ। इस पर समर्थ ने पूछा, तो आप सपना नहीं देख रहे हैं? क्या आपने सच में शादी की है? रुद्राक्ष के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने कहा, हाँ। समर्थ वहीं पर जम सा गया। फिर उसने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि किसके साथ? रुद्राक्ष ने अपना वाइन ग्लास साइड टेबल पर रखा और कहा, मैं उसके सिवा किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर समर्थ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, आराध्या कपूर, आपने उससे शादी की है? रुद्राक्ष ने हाँ कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कार के अंदर बैठा समर्थ खुशी से झूम उठा। वो अपने भाई के लिए बहुत खुश था। वो जानता था कि रुद्राक्ष आराध्या से कितना प्यार करता है। अपने ख्यालों से वापस आकर समर्थ ने अपनी कार अपनी पुश्तैनी हवेली की ओर मोड़ दी। वो अपने दादा दादी माँ और पापा को एक गुड न्यूज देने के लिए बेताब था। इधर कमरे में आराध्या जब बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा बेड पर उसके लिए कपड़े रखे हुए हैं। ये देखकर वो हैरान थी, क्योंकि उसने रुद्राक्ष को नहीं बताया था कि वो अपने साथ कपड़े नहीं लाई है। उसने वो कपड़े पहन लिए और नीचे आई। वो नीचे आकर रुद्राक्ष को ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे कहीं दिख नहीं रहा था। ये देखकर पता नहीं क्यों पर उसे बेचैनी होने लगी। उसको बेचैन देखकर राघव उसके पास आकर बोला, मैडम, क्या आप सर को ढूंढ रही हैं? उसका सवाल सुनकर आराध्या ने हाँ में अपना सर हिलाया। तो राघव ने कहा, सर गार्डन में है। इतना कहकर वो वहां से चला गया और आराध्या भी गार्डन की तरफ चली गई। उसने देखा तो रुद्राक्ष गार्डन में खड़ा था और चांद की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। एक पल के लिए आराध्या तो उसके चेहरे में ही खो गई, लेकिन उसे जैसे ही होश आया वो रुद्राक्ष के पास जाकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ देखकर बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रुद्राक्ष ने जब आराध्या की आवाज सुनी तो वो उसकी तरफ मुड़ गया। वो आराध्या के सवाल का जवाब देने ही वाला था कि उसकी नजर आराध्या के गीले बालों पर पड़ी और उसने पूछा, तुम्हारे बाल अभी भी गीले क्यों हैं? तुमने सुखाया क्यों नहीं? इस तरह तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। क्या आराध्या रुद्राक्ष के प्यार को समझ पाएगी? क्या होगा जब सिंघानिया फैमिली को पता चलेगा आराध्या और रुद्राक्ष की शादी के बारे में? कैसा होगा उनका रिएक्शन? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आराध्या को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने ये नहीं सोचा था कि रुद्राक्ष उसके बालों को भी नोटिस करेगा। वो रुद्राक्ष की आंखों में अपने लिए परवा साफ साफ देख पा रही थी। रुद्राक्ष ने जब देखा
आराध्या ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो उसने गहरी सांस लेकर कहा, ये गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे हाथ ही इतने छोटे हैं। ये सुनकर आराध्या उससे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे साथ रूम में चलो, मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। फिर उसको लेकर सीधा ऊपर चला गया। कमरे के अंदर आकर उसने आराध्या को कुर्सी पर बैठाया और खुद हेयर ड्रायर लेकर उसके बाल सुखाने लगा। जब उसकी लंबी पतली उंगली उसके गीले बालों से होकर गुजरी तो आराध्या ने एक सुकून महसूस किया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाल पूरी तरह से सुखाने के बाद रुद्राक्ष हेयर ड्रायर बंद करके बोला, हो गया। आराध्या ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर मुड़ते हुए बोली, थैंक यू। रुद्राक्ष मुस्कुराया, फिर उसे अपने पास खींचते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि एक थैंक यू मेरे लिए काफी है? मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो। ये सुनकर आराध्या के गाल लाल हो गए। उसने अपने हाथों से उसकी छाती पर हल्के से मारते हुए कहा, बेशरम आदमी, आप छोड़िए मुझे। तो रुद्राक्ष उसे चिढ़ाते हुए बोला, मैंने बेशर्मी वाली कौन सी बात कह दी? मैं तो बस ये कह रहा था कि जैसे मैंने तुम्हारी हेल्प की है बाल सुखाने में, वैसे ही तुम भी मेरी हेल्प कर देना। रुको, तुमने क्या सोचा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था? उसकी बात सुनकर आराध्या ने एम्बैरेसमेंट में अपना चेहरा ढक लिया। रुद्राक्ष को उसे चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि जब भी वो उसे चिढ़ाता था वो बहुत प्यारी लगती थी। तभी अचानक किसी ने डोर नॉक किया तो रुद्राक्ष ने उसे अंदर आने को कहा। एक मेड अंदर आई और विनम्रता से बोली, सर डिनर तैयार है। रुद्राक्ष ने सिर हिलाकर उसे जाने को कहा। फिर उसने आराध्या का हाथ पकड़ लिया और उसको साथ लेकर नीचे चला गया। कुछ देर बाद डाइनिंग रूम में रुद्राक्ष और आराध्या डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और मेड उनको खाना सर्व कर रही थी। रुद्राक्ष ने प्लेट देखते हुए कहा, तुम्हें और खाना चाहिए, तुम बहुत पतली हो। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि रुद्राक्ष सिंघानी अपनी पत्नी को खाना नहीं खिलाता। तभी आराध्या मुंह बनाकर बोली, मैं उतनी भी पतली नहीं हूँ। फिर अचानक उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, मैंने वहां से आने के बाद एक बार भी पापा से बात नहीं की है, वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। उसके जवाब में रुद्राक्ष ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मेरे आदमियों ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये बात तुम्हें खुद उन्हें बतानी होगी। उसकी बात सुनकर आराध्या ने हाँ में अपना सर हिला दिया, लेकिन उसके मन में एक घबराहट हो रही थी कि पता नहीं उसके पापा इस शादी को लेकर क्या रिएक्ट करेंगे। उसके चेहरे पर घबराहट देखकर रुद्राक्ष ने उसके हाथों पर अपने हाथों को रखते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर आराध्या के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने खाना शुरू किया। वो खाने का एक बाइट लेने ही वाली थी कि रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम ये नहीं खाओगी? उसकी बात सुनकर आराध्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। रुद्राक्ष ने गुस्से में मेड से कहा, मैंने कहा था ना, आज से पॉन फिश की कोई भी डिश नहीं होगी, आराध्या को पॉन फिश से एलर्जी है, तुम सब इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? आराध्या ने नजर घुमा कर देखा तो वो मेड बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ये देखकर वो बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसे मत डांटिए, गलती इंसान से ही होती है। फिर उस मेड की तरफ देखकर बोली, तुम अंदर जाओ और इनकी बातों को दिल से मत लगाना। आराध्या के सेल्फलेस बिहेवियर को देखकर उस मेड के दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई और वो उसकी बात मानकर अंदर चली गई। आराध्या ने रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि मुझे पॉनफिश से एलर्जी है? उसके सवाल पर रुद्राक्ष कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, वो ज्यादातर लोगों को होती है, तो इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें भी होगी। आराध्या जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला, दोनों चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। अचानक रुद्राक्ष ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, तुम क्या सोच रही हो, मतलब तुम क्या करना चाहती हो इसके बाद? आराध्या धीरे से बोली, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं, मेरा सपना था मॉडल बनने का, लेकिन उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है।
रुद्राक्ष ने जब उसकी आंखों में उदासी देखी तो उसे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए वो बोला, किसी भी चीज के लिए कभी देर नहीं होती। तुम अगर चाहो तो अब भी एक मॉडल बन सकती हो, और सबसे बड़ी बात, तुम मेरी, रुद्राक्ष सिंघानिया की वाइफ हो। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आप हमेशा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप तो भगवान नहीं है ना जो सब कुछ कर सकते हैं। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आराध्या उसकी बात सुनकर खामोश हो गई और अपनी खाली आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। फिर डिनर करने के बाद वो बेडरूम के अंदर आ गई। वो रूम के चारों तरफ घूम रही थी। उसे डर भी लग रहा था क्योंकि आज से पहले वो कभी किसी लड़के के साथ एक रूम में नहीं रही थी। मोहित के साथ जब वो रिलेशन में थी तो वो दोनों कभी इतने करीब नहीं आए थे, यहाँ तक कि उन्होंने कभी एक दूसरे को किस भी नहीं किया था। रुद्राक्ष समझ गया था कि वो क्या सोच रही है, इसीलिए उससे बोला, तुम क्या सोच रही हो, चुपचाप आकर सो जाओ, और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकती हो तो वो अलग बात है। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और अपने मन में बोली, ओह ये आदमी कितना बेशरम है। फिर वो बिस्तर पर बैठते हुए बोली, किसने कहा कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरा ड्राइवर भी आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। इतना कहकर उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और लेट गई। रुद्राक्ष को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई, फिर वो भी लाइट बंद करके उसके पास लेट गया। अगली सुबह रुद्राक्ष ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सोती हुई आराध्या पर चली गई। वो सोते हुए बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। रुद्राक्ष तो जैसे उसके चेहरे में ही खो गया था। जैसे ही सूरज की रोशनी आराध्या के चेहरे पर पड़ी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, तभी उसकी नजर रुद्राक्ष पर चली गई जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर उसने पूछा, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? रुद्राक्ष ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। वाइफी शब्द सुनकर आराध्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग। फिर रुद्राक्ष बेड से उठते हुए बोला, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, अभी बस 6 ही बचे हैं। आराध्या कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने नीचे से आ रहा शोर सुना तो उसने उठकर पूछा, नीचे क्या हो रहा है? रुद्राक्ष बोला, तुम यहीं रुको, मैं जाकर चेक करता हूँ। ये कहकर वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। रुद्राक्ष जब नीचे आया तो वो हॉल का नजारा देखकर हैरान हो गया। हॉल के चारों तरफ तरह तरह के गिफ्ट रखे हुए थे और सोफे पर उसके दादा दादी मम्मी पापा और भाई बैठे हुए थे। रुद्राक्ष एक गहरी सांस लेकर बोला, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर उसके दादाजी मिस्टर अशोक सिंघानिया खड़े हुए और थोड़ा नाराजगी से बोले, क्या तुम्हें बड़ों का इस तरह से वेलकम करना सिखाया गया है? अपने पति को गुस्से में देखकर रुद्राक्ष की दादी उन्हें शांत कराते हुए बोली, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, शांत हो जाओ। अमिता के बोलने के बाद अशोक सिंघानिया शांत हो गए तो रुद्राक्ष ने पहले अपने दादा दादी फिर मम्मी पापा के पैर छुए। रुद्राक्ष के पापा आशुतोष सिंघानिया इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे और इतनी उम्र होने के बाद भी काफी हैंडसम लग रहे थे। रुद्राक्ष काफी हद तक उनकी तरह ही दिखता था। उन्होंने रुद्राक्ष के कंधे को थपथपाकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे ही बेटे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाकर कहा, क्या इतने सालों तक आपको शक था कि मैं आपका बेटा हूँ? आशुतोष ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मेरा बेटा कभी इतना कायर नहीं हो सकता कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे कभी बताया ही नहीं, इसीलिए मुझे शक था। कई बार तो मुझे लगा कि कहीं हॉस्पिटल में अदला बदली तो नहीं हो गई, इसीलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाने के बारे में भी सोचा था। समर्थ जो एक कोने में खड़ा था, उसने जब अपने पापा की बात सुनी तो जोर जोर से हंसने लगा। फिर हंसते हुए बोला, सॉरी भैया, पर ये सच में बहुत ज्यादा फनी है। रुद्राक्ष ने समर्थ को घूर कर देखा। वो कुछ कहने ही वाला था
लेकिन तभी उसकी माँ साक्षी सिंघानिया उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, आप अगर सच में डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, उसके साथ डिवोर्स पेपर भी रेडी करवा लीजिए। उनकी बात सुनकर आशुतोष का चेहरा पीला पड़ गया और वो बोले, तुम ये सब क्या कह रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि वो मेरा ही बेटा है, मेरा खून है। साक्षी ने एक नजर अपने पति को देखा, फिर रुद्राक्ष की तरफ घूम कर बोली, था अशोक जी आगे कुछ कहने वाले थे तभी उनकी नजर उस तरफ गई जहां रुद्राक्ष देख रहा था। आराध्या सीढ़ियों पर खड़ी होकर उन सबकी बातें सुन रही थी। वो उन सबकी बातें सुनकर हैरान थी। रुद्राक्ष ने जब उसे देखा तो वो उसके पास आया। उसने देखा आराध्या डरी हुई है, इसीलिए उसने उसके कान में कहा, डरो मत, वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, ना कि जंगली जानवर, वो तुम्हें खाएंगे नहीं। फिर उसका हाथ पकड़कर सबके बीच ले आया और सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला, ये मेरी वाइफ आराध्या है। फिर अपने दादा दादी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरे दादाजी और दादी हैं। ये सुनकर आराध्या ने जाकर उनके पैर छुए। अशोक जी उसे सीधे खड़े करके बोले, आज से तुम भी मेरी पोती हो और सिंघानिया परिवार का हिस्सा हो, और अगर कभी भी रुद्र ने तुम्हें परेशान किया तो तुम उसे सीधे गोली मार देना, और कोई भी टेंशन मत लेना, पुलिस का ध्यान मैं रख लूंगा। उनकी बात सुनकर आराध्या समझ नहीं पा रही थी कि उसे हंसना चाहिए या रोना। कौन सा दादा अपने पोते को मारने की आजादी देता है, वो भी इस तरह। उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष की दादी अमिता जी बोली, आप उसे डरा रहे हो। फिर वो आराध्या की तरफ मुड़कर बोली, हो सकता है तुम्हें लगता होगा कि ये लोग बहुत पावरफुल हैं, लेकिन वो सब बाहर है, इस घर के अंदर नहीं। घर के अंदर वही होता है जो हम चाहते हैं, इसीलिए तुम भी इस घर की मालकिन हो और तुम जो चाहो वो कर सकती हो। आराध्या उनकी बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने अपना सिर नीचे करके हामी भरी। आराध्या ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना प्यारा ससुराल मिलेगा, लेकिन क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा आराध्या और मोहित की रिलेशनशिप के बारे में। जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।